लगभग 17% कांग्रेस के नेता जमींदार हुआ करते थे। उसके बाद आप देखेंगे जमींदारों के अलावा किसानों की बात करेंगे तो इनकी संख्या बड़ी कम हुआ करती थी। डॉक्टर्स हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस के अभिजात वर्ग के कंट्रोल में कांग्रेस हुआ करती थी। गांधी को लगा कि तब आजादी नहीं हो सकती है जब तक बहुसंख्यक आबादी हमारे साथ खड़ी नहीं। अच्छा, एक और कारण था, जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने लोग हैं इनका प्राइमरी काम कांग्रेस नहीं, इनका प्राइमरी पैसा किसी का वकील है, कोई वकालत करना चाहता है, कोई सबका जो कांग्रेस के ऊपर इंटरवेंशन है वो बहुत कम है, अटेंशन बहुत कम है। और गांधी ने कहा कि ये इनका मुख्य पैसा जो है नहीं है, वकील वकालत कर रहे हैं, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वो भी वकालत कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू वो भी वकालत कर रहे थे। तब जाके गांधी ने यह कथन दिया कि ना तो वकील ना डॉक्टर और ना जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। स्वशासन की बात कहां से आई? गांधी ने स्वशासन का मुद्दा तब उठाया जब भारत के अंदर में आप सबको पता है कि एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट मूल रूप से ये कहां की थी? ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था, आयरिश मूल की महिला थी, इनका मूल आयरिश है। जैसे दादा भी ऋषि सुनक हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हम कहते हैं कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन इसका पता ही मतलब नहीं है जो भारत में जन्म लिए हैं। उसी प्रकार से एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला हुआ करती थी, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। वो जब भारत आई तो भारत की संस्कृति और इनसे वो प्रभावित हुई और उसके बाद वो भारत में रह गए। उसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की 1899 ईस्वी में।